हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप? और आज रक्षाबंधन का दिन है और रक्षाबंधन पे मैं बनाने वाली हूँ मीठी मीठे जवे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, ये मैंने मीठी सेवई बनाने के लिए सब सामग्री ली है। तो ये मैंने लिया है देसी घी 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच, और ये मेरे 250 ग्राम जवे हैं। मैं जवे ज्यादा बनाऊंगी, आज गेस्ट आने वाले हैं। और देखिए, ये चीनी है, ये काजू, बादाम, चिरौंजी, ये खरबूजे के बीज हैं, और ये हैं किशमिश। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं देसी घी, 2 चम्मच देसी घी कढ़ाई में डालूंगी। इसमें मैं जवे को फ्राई करूंगी। देखिए, इसमें डाल दिए मैंने जवे और मैं इन्हें अच्छे से चलाऊंगी। जवे मुझे धीमी आंच पे पकाने हैं ताकि ये जल ना जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, सिवैया मेरी भून चुकी हैं। अभी एक तो फ्रेंड्स देखिए, सिवई मेरी हो चुकी हैं और दूध मेरा ये खोला हुआ, जो दूध मैंने रखा था ये खोल चुका है, और इसको अब मैंने सिम आंच पे रख रखा है। अब मैं इस सिवैया को इस दूध में डाल देती हूँ। देखिए, दूध में डालने के बाद मैं इनको अच्छे से चला दूंगा। अब हम इन्हें धीमी आंच पे पकाएंगे। तो फ्रेंड्स सिमई मेरी पकने वाली है, और मैं पहले इसमें मेवे डालकर थोड़ी देर मेवे को साथ ही से पकाऊंगी। तो मैं थोड़े थोड़े मेवे डाल देती हूँ और कुछ मेवे गार्निशिंग के लिए बचा देती हूँ। कुछ मैं इसमें बाद में डालूंगी और इन्हें चला देती हूँ। और इसमें मैं अब थोड़ी देर के बाद चीनी ऐड करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने ड्राई फ्रूट डाल लिए थे इसमें, और ये सिवैया कितने अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इसमें चीनी शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद अब हम इन्हें ढक के 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जवे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको सर्व करूंगी। एक बाउल में इनको कर लिया है और ऊपर से मैं इनको काजू बादाम किशमिश से सजाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।